अस्सलाम वालेकुम क्लास सेवेंथ, आज हमारा ग्रामर एंड कंपोजिशन में लेसन नंबर 15A एडवर्ब है। पेज नंबर है हमारे पास 68। ठीक है, सबसे पहले एडवर्ब। एडवर्ब बेसिकली क्या होता है? एडवर्ब एंड एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब एन एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब, यानी जो क्वालिफाई करता है वर्ब को, एडजेक्टिव को या फिर एन अदर एडवर्ब को। इसकी उर्दू में ट्रांसलेशन आप देखें कि मुतलिक फेल एडवर्ब किसी फेल इसम सिफ्त या किसी दूसरे एडवर्ब की तारीफ़ करता है, जैसा कि नासिर तेज़ दौड़ता है। अब नासिर रन्स, नासिर दौड़ता है, ठीक है, रन्स तो हो गया ना वर्ब, तो जो उसके साथ ऐड हो रहा है क्विकली, यानी ये उसके मैनर को शो कर रहा है कि कितनी तेज़ी से वो दौड़ रहा है, तो ये क्विकली का जो वर्ड है ये यहाँ पर एडवर्ब होगा। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट में देखें, अली डिड अ वेरी डिफ़िकल्ट सम, अली ने एक मुश्किल सवाल हल किया, तो वेरी जो वर्ड है ये एडवर्ब को शो कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद शी रैन वेरी क्विकली, वेरी वर्ब जो है यहाँ पे एडवर्ब को शो कर रहा है। उसके अलावा एडवर्ब से पता चलता है कि कोई काम कब, किस जगह, कैसे, कितनी बार या कितनी मकदार से हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखने के लिए हमें काइंड्स ऑफ एडवर्ब को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम एडवर्ब ऑफ टाइम अगर देखें, तो एडवर्ब ऑफ टाइम क्या शो करता है, यानी किसी ने कोई काम जो है वो कितनी जल्दी किया, कितनी लेट किया, कितने अरसे में किया, कितने टाइम में किया, तो एडवर्ब ऑफ टाइम ये शो करता है। जिस तरह से ऊपर आपको वर्ड्स भी दिए हुए हैं, अर्ली, लेट, ऑलवेज, एवर, नेवर, आफ्टर, ऑलरेडी, आफ्टरवर्ड्स, टुडे और उसके अलावा नेक्स्ट, वंस, अगो, सून, येस्टरडे, टुमारो वगैरह एडवर्ब ऑफ टाइम है। जैसे आई शैल रिटर्न सून, कि मैं जल्द वापस आऊँगा। अब सून का वर्ड जो है ये एडवर्ब ऑफ टाइम को शो कर रहा है, यानी वो जल्द वापस आएगा। सेकंड, नासिर वेंट टू ऑफिस अ फ्यू मिनट्स अगो, अगो यानी नासिर जो है वो चंद मिनट पहले दफ्तर गया, तो अगो का वर्ड एडवर्ब ऑफ टाइम है। टुडे शी इज़ एब्सेंट फ्रॉम स्कूल, टुडे वर्ड जो है वो यूज़ हो रहा है एडवर्ब ऑफ टाइम के लिए, यानी वो आज वो स्कूल से गैर हाजिर है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी किसी काम के वकूअ का मौका महल बयान करने के लिए ये एडवर्ब इस्तेमाल किया जाता है, यानी किस के कोई काम जो है वो किस जगह पे हुआ है। ठीक है, हेयर, देयर, अवे, बिलो, अबव, नियर, इन, अंडर, अप, आउटसाइड, इनसाइड, एवरीवेयर वगैरह। जैसे देयर वॉज वाटर एवरीवेयर, के हर जगह पानी था। एवरीवेयर का वर्ड क्या है? एडवर्ब को शो कर रहे हैं, हर जगह पानी था। ही वॉज सिटिंग नियर द डोर, नियर का वर्ड जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस को शो कर रहा है। अली वेंट इनसाइड, इनसाइड का वर्ड भी प्लेस को शो कर रहा है। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास है एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी किसी काम के करने या होने का तरीका बयान करने के लिए कि ये एडवर्ब इस्तेमाल करते हैं। ये मंदरजा ज़ैल हैं, यानी नीटली, लाउडली, राइटली, बैडली, वेल वगैरह। यानी एडवर्ब ऑफ मैनर क्या शो करता है? कि कोई काम आपने कितने अच्छे तरीके से किया है, ठीक है, और यहाँ उस काम को आपने किस तरह से किया। जैसे द चाइल्ड इज़ स्लीपिंग, अब बच्चा तो सो रहा है, वो किस तरह से सो रहा है? साउंडली, यानी बच्चा जो है वो पुरसकून नींद सो रहा है। ठीक है, साउंडली यानी पुरसकून नींद में सो रहा है। ही इज़ टॉकिंग लाउडली, ही इज़ टॉकिंग, वो बातें तो कर रहे हैं लेकिन किस मैनर में कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं? लाउडली, लाउडली यानी वो बुलंद आवाज़ से बोल रहा है। दिस एसे इज़ वेल रिटन, ये मज़मून अच्छी तरह से लिखा गया है। दिस एसे यानी ये जो एसे है ये रिटन लिखा तो क्या है, किस तरह से लिखा गया है? वेल यानी अच्छी तरह से लिखा गया है। अब जो इसकी मज़ीद एग्जांपल्स हैं वो भी हम साथ साथ इसको कंप्लीट कर लेते हैं। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी और डिग्री, हमने इधर एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी बतानी है कि किसी काम के करने या होने का तरीका बयान करने के लिए यह एडवर्ब्स इस्तेमाल करते हैं। ये दर्ज ज़ैल हैं, यानी वेरी मच, लिटल, मोर, मोस्ट, लेस, ऑलमोस्ट, क्वाइट, इनफ, फुल, होली, सो वगैरह। जैसे ही हेल्प्ड मी फुली, उसने मेरी भरपूर मदद की। ही हेल्प्ड मी, उसने मेरी मदद की। अब उसने किस तरह से की, कितनी की? फुली यानी भरपूर, मुकम्मल उसकी मदद की। आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, अब सो का वर्ड जो है वो क्वांटिटी को शो कर रहा है, ऊपर फुली का वर्ड जो था वो क्वांटिटी को शो कर रहा था। अब एडवर्ब्स ऑफ नंबर और फ्रिक्वेंसी, ये एडवर्ब्स तादाद के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये कौन कौन से हैं? नेवर, ऑफन, सेल,
seldom, always, once, twice, again, thrice, sometimes, secondly वगैरह. जैसे वो कभी कभी यहाँ आता है, ही सेल्डम कम्स हेयर. हामिद हमेशा गरीबों की मदद करता है, हामिद ऑलवेज हेल्प्स द पुअर. अब सेल्डम और ऑलवेज के वर्ड जो हैं ये फ्रीक्वेंसी को शो कर रहे हैं, ठीक है. उसके बाद इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स ये सवालात पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं. इंट्रोगेटिव से तो साफ पता चलता है कि क्वेश्चन मार्क वाले हैं, ये क्वेश्चन के लिए होते हैं. जैसे इसके लिए कौन से वर्ड्स फिर यूज़ करेंगे हम, व्हाट, व्हाई, हाउ, हुम, यानी तुम गमगीन क्यों हो, व्हाई आर यू सैड, व्हाई का वर्ड क्वेश्चन को अराइज कर रहा है, तो ये हमारे पास इंट्रोगेटिव एडवर्ब होगा. आपके मिजाज कैसे हैं, हाउ आर यू. एंड रिलेटिव एडवर्ब्स कौन से होते हैं, जब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन दो क्लॉजेस या सेंटेंसेस को मिलाने के लिए इस्तेमाल हों तो इन्हें रिलेटिव एडवर्ब्स कहते हैं. ये दर्ज ज़ैल हैं, जैसे वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, हाउ मैनी वगैरह. यानी उन्होंने ऊपर ही शो कर दिया कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन दो क्लॉजेस या सेंटेंसेस को मिलाने के लिए, दो सेंटेंस अगर हमें दिए हों तो उनको मिलाने के लिए हम रिलेटिव एडवर्ब यूज़ करते हैं. जैसे दिस इज़ द प्लेस, यानी ये वो जगह है, वेयर अल्लामा इकबाल वाज बॉर्न, जहाँ पे अल्लामा इकबाल पैदा हुए थे. तो वेयर का जो वर्ड है ये दो सेंटेंसेस को मिला रहा है, दिस इज़ द प्लेस फर्स्ट सेंटेंस और अल्लामा इकबाल वाज बॉर्न सेकेंड सेंटेंस है. तो वेयर का जो वर्ड यूज़ हुआ है ये रिलेटिव एडवर्ब को शो कर रहा है. Do you know the time when the night coach leaves? अब when का वर्ड जो है ये दो सेंटेंसेस को आपस में मिला रहा है तो ये रिलेटिव एडवर्ब.